हाय दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए ला चुका हूँ एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपने खेत में एक राउंड लगाकर और अपनी ज़मीन को कैसे नाप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ना पटवारी की ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है, आप घर बैठे जब भी मन हो अपनी ज़मीन को नाप सकते हो सिर्फ एक ये मेरी वीडियो देखकर। तो दोस्तों, एक भी स्टेप को मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। हमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसी से आपने शुरू करना है। दोस्तों, उस एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स भी है, तो वो सब मैं बता देता हूँ आपको वीडियो में आगे। दोस्तों, एक बात और, मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है एक सेल्फी स्टिक का गिव अवे, जहाँ पर जो है मैंने एक सेल्फी स्टिक की अनबॉक्सिंग की है, वहाँ पर जो है उसका वीडियो बनाया है और गिव अवे किया है, और उसका विनर अनाउंस मैं करने वाला हूँ जब उस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो गिव अवे अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो अगर आप में से अभी तक किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उस वीडियो की लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है, वहां पर वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट करना है, एक कमेंट। अगर 2 कमेंट करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट करना है। और ऐसे में जब उस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं विनर का अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो उस वीडियो में भी, मतलब उस गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, उसमें जो सेल्फी स्टिक रहेगी वो आप में से ही किसी एक व्यूअर को मैं दे दूंगा गिफ्ट पर। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जाना है अपने को प्ले स्टोर में। जैसे ही मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर सर्च करना है फील्ड एरिया मेजरमेंट। यहाँ पर लिखते हैं फील्ड एरिया और मेजरमेंट। जैसे ही हमने सर्च किया है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला वाला जो एप्लीकेशन है खुलकर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर इसका जो है लोगो देख लीजिए, अगर आप लोगो देख लोगे तो डाउनलोड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली देख लीजिए, सबसे पहले तो रेटिंग 4.5 स्टार की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 10 मिलियन बोले तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, तो कुछ बात होगी इस एप्लीकेशन में, इसीलिए डाउनलोड किया है। दोस्तों, इसके बाद में इस एप्लीकेशन को करते हैं फटाक से ओपन। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पर हमसे मांगता है कुछ परमिशंस, इन परमिशंस को एलो करते हुए जाना है। एक ये परमिशन एलो कर दी, इसके बाद में जो है यहाँ पर हमारी लोकेशन पर पहुँचने में थोड़ा सा यार टाइम लगता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो लोकेशन है उसको चालू करके रखना है। तो अभी मेरी जो ये सही लोकेशन पर है, अभी मैं यहीं पर हूँ ये खेत में, तो यहाँ पर जो है मेरी लोकेशन पहुँच चुकी है। दोस्तों, इसके बाद में इस एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ज़मीन नापने में दिक्कत आती है अगर मैं सेटिंग नहीं बताता हूँ। तो अब यहाँ पर करना कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये मेजरमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स से हटाकर और इंपीरियल कर देना है। यहाँ पर एरिया यूनिट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है एकड़ को क्लिक करके रखना है, बाकी सब हटा देना है। अगर आपको एकड़ में नापना है तो एकड़ को क्लिक करके रखना है, अगर आपको यार्ड में नापना है, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर इंच में, स्क्वायर मीटर, जो भी करना है उसको सेलेक्ट करके रखना है। अभी मुझे फिलहाल एकड़ में करना है, एकड़ में नापना है, इसलिए मैं ए और सी को सेलेक्ट करके रखता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल से डन कर देते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है कीप स्क्रीन ऑलवेज ऑन, इसको भी क्लिक कर देते हैं। इससे ये होगा कि जब तक हम ज़मीन नापते रहेंगे तब तक हमारे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। तो अब यहाँ पर से वापस बैक करते हैं और चलते हैं किसी एक जगह पर जहाँ से हम करते हैं अपनी ज़मीन को नापना चालू। तो दोस्तों, अब करना कुछ ऐसा है कि अब जैसे मैं यहाँ पर जो है कुछ एरिया, मतलब थोड़ा सा एरिया नापकर बताने वाला हूँ, पूरा खेत नापकर नहीं बताने वाला हूँ, तो उतने में आप देख लेना कि कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर जो है ज़मीन नापने के लिए सबसे पहले नीचे जो आप ये गूगल लिखा हुआ है, गूगल के नीचे जो प्लस वाला लोगो है, प्लस वाले पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो है एरिया पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप मैनुअल मेजरिंग, मतलब घर बैठे नाप सकते हैं, और GPS मेजरिंग, मतलब चलकर नापना होता है, तो GPS मेजरिंग पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो है अलग अलग फीचर्स खुलकर आते हैं। यहाँ पर स्टार्ट मेजरिंग पर क्लिक कीजिए, ये मैंने स्टार्ट मेजरिंग पर क्लिक किया है। अब इसके बाद में जो है चलना चालू करना है, मतलब जो भी आपके खेत की बॉर्डर है, जो भी आपके खेत की मेयर है, उन पर चलना चालू कीजिए। और जैसे ही आप चलोगे, आपके पीछे एक लाइन बनती हुई आएगी, जो कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, अपने मोबाइल को जहाँ पर भी ले जाते हैं, वहाँ पर वो लाइन बनना चालू हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, ये मेरे पीछे पीछे ये जो लाइन बनती जा रही है लाल कलर की, ये इस वाली लाइन पर मैं चलता जा रहा हूँ। और अभी दोस्तों थोड़ा सा एरिया नापकर मैं बताने वाला हूँ, और ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल इसी जगह पर मैं भी चल रहा हूँ। और देखिए ऊपर जो है 98 फीट, 102 फीट, 107 फीट, 113 फीट, ऐसे फीट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतने फीट में चलता जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर से मैं इधर की साइड मुड़ा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसमें मोबाइल में भी मोड़ आ चुका है, और चलने में मैं थक रहा हूँ, तो इसलिए भी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर से और
अब मैं वापस टर्न लेने वाला हूँ, तो अब ये मैं वापस टर्न ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं वापस टर्न लेता हूँ, ये देखिए मेरे मोबाइल में भी टर्न आ चुका है। और इसके बाद में जो है लाइन पीली, ये वाली आपको जो लाल लाइन बन रही है ये वाली देखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम इस एप्लीकेशन से नापना तो चालू कर देते हैं और पूरे खेत में घूम लेते हैं, लेकिन ये लाल लाइन जो है वो बनती नहीं है। तो जब तक ये लाल लाइन नहीं बनती है तब तक हमारी ज़मीन भी नहीं नापती है। तो ऐसे में जब भी आप ज़मीन को नापो तो इस बात का ध्यान रखना कि ये लाल लाइन पीछे बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अब यहाँ पर आ चुका हूँ मैं वापस एक और मेर में। अब यहाँ पर से और वापस एक बार और घूम जाता हूँ। तो अब जैसे ही मैं घूमा तो यहाँ पर से मेरी लोकेशन भी घूमेगी थोड़ी सी, ये देखिए। और जहाँ से स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पर आकर एंड करना है। तो अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पर आकर थोड़ी सी और आगे, थोड़ी सी और आगे, वहीं पर आकर और एंड करना है। उससे ये होगा कि जो हमारी बॉर्डर जो लाइन होती है मोबाइल में बिल्कुल सही से एग्जैक्ट नप जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब स्टॉप मेजरिंग जो आप देख रहे हो, स्टॉप मेजरिंग पर क्लिक कीजिए। ये क्लिक कर दिया। अब जो इधर लिखा हुआ है कोने में डन, तो डन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों ये डन पर हमने क्लिक कर दिया। अब एक साइड देखिए ऊपर पैरामीटर लिखा हुआ है 432 फीट, मतलब कि मैं अभी चला हूँ 432 फीट। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो इधर एरिया में लिखा हुआ है 0.256, तो 0.256 की जगह, मतलब कि अभी 0.256, मतलब कि यहाँ पर 1 एकड़ का चौथा भाग है जो कि अभी मैंने नापा है। अगर यहाँ पर ये 0.256 की जगह 1.0000 ऐसा कुछ होता तो 1 एकड़, अगर 1.256 होता तो 1.25 एकड़, जैसे हम बोलते हैं कि 1 एकड़ और 1 एकड़ का चौथा भाग, वैसा एक मतलब 1.25 एकड़, तो ऐसा सिस्टम है इसका। तो 256 जैसे कि अभी है, तो 1 एकड़ का चौथा वाला भाग जो है वो हमने अभी नापा है। यहाँ पर जो आप ये इतनी जगह में देख रहे हो ये वही वाला नाप है। हाँ तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, मैंने भी चलकर मेरे स्मार्टफोन से ज़मीन नाप कर बताई है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगे। और इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 0.250 जो 256 जो वहाँ पर है, तो वो 1 एकड़ का चौथा वाला भाग है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 1 किलो में 0.250 ग्राम होते हैं, तो वो उसका चौथा भाग होता है, 1 पाव होता है। तो कुछ उसी तरह से ये जो 0.256 था तो वो 1 एकड़ का चौथा वाला भाग था। अगर 0.0 की जगह 1 होता तो वहाँ पर 1 एकड़ होती, अगर 1.256 होता तो 1 एकड़ और 1 एकड़ का चौथा भाग। तो कुछ ऐसा सिस्टम है वहाँ पर। दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट है, अगर एक भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करने में बिल्कुल मत झिझकना, मैं उसी समय आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ भी स्टेप आपने पीछे मिस कर दी हो तो डबल से वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो